नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, मेरे सहयोगी पुनीत भी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी के नए नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो चुका है। नारायण चंदेल बने हैं नेता प्रतिपक्ष, धर्मलाल कौशिक की जगह अब बने हैं नेता प्रतिपक्ष चंदेल। बीजेपी विधायक दल ने यह बड़ा फैसला लिया है। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है, नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। जांजगीर से विधायक हैं नारायण चंदेल। न्यूज 18 ने पहले ही ये खबर दिखाई थी, विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से आएंगे चंदेल। कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया, ये बयान भी सामने आया। हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी अब दी है चंदेल को, प्रदेश में परिवर्तन जरूर होगा, उसके बाद ये बयान चंदेल ने दिया है। विपक्ष नारायण चंदेल, हम उनसे बातचीत करते हैं कि नई जिम्मेदारी इनको मिली है। चंदेल जी, सबसे पहले आपको बधाई नेता प्रतिपक्ष बनने की, क्या प्राथमिकता होगी आपकी तीन विधानसभा के सत्र से? ऐसे देखिए, सदन के अंदर में और सदन के बाहर राज्य सरकार की जितनी कमी है, जितनी खामी है, जितनी नाकामी है, जितने जन विरोधी काम है, उसको हम सदन के अंदर में ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक उसको उठाएंगे और इस सरकार का जो असली चेहरा है उसको जनता के सामने बेनकाब करें। चंदेल जी, एक सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष तो आप बन गए, धरातल पे क्या इसका संदेश है, क्या मैसेज है? कार्यकर्ताओं के बीच में काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। देखिए, हम सब लोग, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हम टीम वर्क से काम करते हैं, हमारा सामूहिक नेतृत्व है और हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 2023 की क्या रणनीति होगी, आखिरी सवाल है जी, 2023 के लिए क्या कुछ टारगेट तय किया आप लोगों ने? देखिए, टारगेट क्या है, हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहु जी के नेतृत्व में काम करेंगे और 2023 में सरकार बनाएंगे। चले, मतलब बीजेपी ने तय कर लिया है कि 2023 में जो है वो बीजेपी की सरकार बनेगी और इसके लिए पहले अध्यक्ष बदला गया और अध्यक्ष के बाद अब नेता प्रतिपक्ष बदला गया है। नारायण चंदेल को नई जिम्मेदारी दी गई है और वो कह रहे हैं कि उनके प्राथमिकता में इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और 2023 में कमल खिलाना है। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी के भीतर इस बदलाव के बाद क्या कुछ परिवर्तन धरातल पे दिखाई पड़ता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। जांजगीर से विधायक है नारायण चंदेल, अब नए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। हमने पहले भी बताया था कि नारायण चंदेल के नाम पर मुहर लग सकती है और ऐसा ही हुआ, नारायण चंदेल के नाम पर मुहर लगी है, नए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। धर्मलाल कौशिक की जगह अब नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बने हैं। बीजेपी विधायक दल का यह बड़ा फैसला सामने आया है। जांजगीर से विधायक है नारायण चंदेल, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नए नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो चुका है। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे नेता प्रतिपक्ष बदलने के और ऐसा ही हुआ। कल जब धर्मलाल कौशिक से पूछा भी गया था तो उन्होंने कहा था कि कल जो फैसला होगा देखा जाएगा, आप सभी के सामने होगा, और आज जो फैसला ले लिया गया, नारायण चंदेल के नाम पर मुहर लगी है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अभिषेक शुक्ल डिप्टी एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश मिश्रा हैं, संवाददाता हैं रायपुर से, वो भी जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। पुनीत, अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लगी और मुहर लगते से फॉर्म में नजर आ रहे हैं चंदेल। बिल्कुल, उनके नाम पर मुहर लगनी सिर्फ औपचारिकता थी, तय हो चुका था कि नारायण चंदेल ही नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। 1-to-1 जैसी बातें जरूर सामने आ रही थी, लेकिन ये पहले से तय हो गया था कि नारायण चंदेल हर उस समीकरण पर फिट बैठते हैं जिस जो बीजेपी को इस वक्त चाहिए। तेज तर्रार आक्रामक नेता, अच्छा बोलते हैं, विधानसभा से लेकर संगठन सड़क तक हर जगह बोलते हैं, जातिगत समीकरण में भी बड़े फिट बैठते हैं, ओबीसी हैं, कुर्मी वर्ग से आते हैं, तो ये तमाम समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी ने तय किया है। और
सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी आसानी के साथ नेता प्रतिपक्ष का ये चुनाव हुआ। कांग्रेस ने हालांकि इस पर तंज भी कसा है कि बड़े शांतिपूर्वक बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लिया, क्योंकि पहली बार 2018 के बाद जब ये नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो रहा था तब बड़ी उठापटक हो रही थी और बहुत लंबा वक्त लग गया था, नेता प्रतिपक्ष बीजेपी तय नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस बार बिल्कुल तय कर लिया गया था, पहले बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एक औपचारिक बैठक हुई और नाम का सामने यहाँ पर घोषणा कर दिया गया। साफ इससे मैसेज है, केंद्र ने कमान अपने हाथ में बिल्कुल ले रखी है, इसीलिए ये मैसेज नीचे तमाम नेताओं तक था। शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो गया, केंद्र ने जिस नाम पर मुहर वहाँ पर लगा दी वो नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर बन गया। अब जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष बदलने की बात है, इसे एक महज शुरुआत मानना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और अब माना जा रहा है कि संगठन स्तर पर ये बदलाव होगा। और संगठन स्तर पर किस तरीके के बदलाव होंगे, मोर्चा प्रकोष्ठों से शुरुआत हो सकती है, महामंत्री लेवल पर बदलाव हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी है, अवधेश वहाँ मौजूद है, वो ज़रूर इस बात का जिक्र करेंगे। खास बात यह है, रमन सिंह के प्रभाव से बीजेपी निकलने की पूरी जो कवायद थी उसमें यहाँ पर सफल हुई है। इस पूरी कवायद को उसी तौर पर देखना चाहिए, पहले प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष उनकी पसंद के थे, अब जो है प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष केंद्र ने अपने पसंद के हिसाब से बिठाए हैं। तो कुल मिलाकर पिछले 15 साल की जो सरकार थी जिस पर बार बार सत्ता पक्ष हमला करता था उसको बिल्कुल पीछे छोड़ने और दूर करने की कोशिश यहाँ पर साफ नज़र आ रही है, बिल्कुल फ्रेश साफ यहाँ पर कोशिश नज़र आ रही है। और जैसा अभिषेक आप कह रहे थे कि रमन सिंह से पार्टी को बाहर निकालने के लिए, रमन सिंह का ही एक प्रकार से अपने ही उनके लोग बैठे हुए थे उससे बाहर निकालने के लिए कवायद की जा रही है। अवधेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अवधेश के पास चलते हैं। अवधेश, आप जब बात कर रहे थे नारायण चंदेल से तो उन्होंने एक बात कही और कहा उन्होंने कि व्यक्ति या पद महत्व नहीं रखता है पार्टी में, उसके बावजूद ये बदलाव क्या कहता है? परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, पार्टी समझ चुकी थी, इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक बदल डालेंगे। बिल्कुल, देखिए पार्टी में परफॉर्मेंस हो रहा था, धर्मलाल कौशिक तेज तर्रार नेता थे, विधानसभा के भीतर बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखते थे, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी एक संदेश देना चाहती थी कि 2018 पे हमने जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा, जो धर्मलाल कौशिक उस समय वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष थे और चुनाव हारने के बाद उन्होंने हार का ठीकरा कार्यकर्ताओं पर फोड़ दिया, रमन सिंह की इर्द गिर्द ही पूरी पार्टी घूमती थी, तो ऐसे में आलाकमान एक संदेश देना चाहती थी नीचे तक कि बदलाव की बयार बह रही है और नए नेतृत्व के साथ हम मिशन 2023 तय करेंगे, क्योंकि 2018 में मिली हार के बाद बीजेपी ने कई प्रयोग किए, एक दर्जन से ज्यादा प्रयोग किए, लेकिन हर प्रयोग में बीजेपी नाकाफी ही साबित हुई, हर चुनाव दर चुनाव उनकी हार होते गई, तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति बनाई जाए, एक आलाकमान के सामने एक बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती को पार पाते हुए जैसे अजय जामवाल को क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनाया गया, वो यहां पर आकर ताबड़तोड़ उन्होंने मैराथन बैठक ली और बैठक लेने के बाद जो रिपोर्ट भेजी उस रिपोर्ट के आधार पर तय कर दिया गया कि पार्टी में चेहरा को बदला जाएगा, संगठन में नेतृत्व क्षमता को बदला जाएगा। अब ये हुआ कि अरुण साहू को पहले अध्यक्ष बना दिया गया, नारायण चंदेल को अब जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। देखिए नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, कोई पार्टी के इंटरनल में कुछ ज्यादा इसके होना है नहीं, क्योंकि विधानसभा के में तीन जो बैठकें हैं वो बची हुई है, एक बजट का सत्र होगा, एक शीतकालीन सत्र होगा, अगले साल मानसून सत्र होगा।